ये पता है क्या है? ये रोटी है, इसमें से आंख भी दिखाई देती है। भाई ने पन्नी मंगाई थी, देखो ये लेके आया ऐसे यहाँ बांध बांध के। भाई ये मीटर की सुरक्षा नहीं है यार, चमक बहुत रहे, क्या बात है। सो हाय गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं उनसे बहुत बढ़िया गाइस। सो जैसा कि आप जानते हैं कि आज से स्टार्ट होने वाली है हमारी स्पीति राइड, डे फर्स्ट ऑफ अवर स्पीति एक्सपीडिशन। रात के बजे हैं 2:30 और हमारी टीम के सभी मेंबर्स हो गए हैं रेडी, सब लोग उठ चुके हैं और उठ चुका है साथ में पता है कौन? ये देखो घर का सबसे अलर्ट मेंबर, गोल्डी। ए गोल्डी, गोल्डी उठ गया तू? हैं, उठ गया तू? सो गोल्डी भी उठ गया क्योंकि इसने करना है मुझे सीओ, ठीक है। पैनियर्स वगैरह लोड हो गए हैं, चीता हमारा रेडी है एंड तैयारी हमारी पक्की है और भगवान की भी तैयारी पक्की है क्योंकि बिजली चमक रही। उम्मीद पूरी पूरी है कि पूरे अच्छे से बारिश होगी पूरे रास्ते में, लेकिन अपने को रुकने का नहीं है, हम भी पूरी तैयारी करके चल रहे हैं। स्टार्टिंग से ही हम लोग रेनवियर पहन के चलेंगे सो दैट कहीं पर रुकना ना पड़े। वी आर ऑल सेट टू लीव फ्रॉम होम फॉर दिस ब्यूटिफुल राइड, बट मौसम ने ली है करवट और रेनवियर पहना दिए हैं शुरू में ही, क्योंकि देखो देखो लाइट में दिख रही होगी कितनी तेज बारिश हो रही है। बाय 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 जय माता, भाई सारे विदाई करने के लिए रेडी हैं, हम लोग भी रेडी हैं। स्काईलार्क में आपका स्वागत है, ठीक है। हम लोग सभी पहुंच गए असेंबली पॉइंट पे और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये देखो अंधेरे में दिख नहीं रहे क्या? ये 6 बाइक खड़ी हैं, माइट भी नहीं दिख रही होगी। और ये है जी हमारा वेन्यू, हिल मत जाना हमारा वेन्यू देख के, कुछ खास होता है हमारा वेन्यू। सो यहाँ से ये यूजुअली हमारा टीम आरईसी का रहता है असेंबली पॉइंट, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑलवेज राइट। एंड भगवान भी पूरा चैलेंज बना के रखे हुए है, बारिश तूफान आंधी सब, बट स्टिल एवरीबडी इज लाइक के करके रहेंगे स्पीति। सो सब लोग तैयार हैं और थोड़ी देर में निकलने की तैयारी है। सो मेरे भाई, दिस इज योर फर्स्ट ट्रिप, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। एक्साइटमेंट कैसी है? फुल, फुल। एक्साइटमेंट फुल है। हाँ जी। स्पीति करने जा रहे हो? फाइनल यार, चमक बहुत रहे, क्या बात है। सो विनीत मेरे भाई, लास्ट टाइम स्पीति बारिश ने धो दिया था, एक्साइटमेंट हो रही है, बस बारिश ना हो। बारिश नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, चारों तरफ गीला ही गीला है और भाई फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान से कि बारिश नहीं होनी चाहिए। सो सौरव, हेलो, रेडी? यस, ऑल सेट, एक्साइटेड? यस, क्या बात है। सो अभी तक हमारे ग्रुप में एज एन अभी और हिंदी चीनी बाय बाय, अरे ये देखो भाई, ये बंदा शांत बैठ के और अपने बैग में खोला भेड़ी कर रहा है, क्या कर रहा है भाई तू? निकाल, क्या निकाल रहा है तू? पक्की बात है, है? ऐसा रहा? सो हिमांशु क्या लग रहा है? हेलो जी, हेलो जी, कैसा लग रहा है? पहुंच गया मैं 3 बजे, कितने बजे निकला था दिल्ली से? 1:30 बजे, क्या बात है मेरा भाई, पूरा डेडिकेशन यहाँ पे शो करता हुआ और भाई रात को 1:30 बजे निकल के और यहाँ पे टाइमली पहुंच गया। और अब सभी गाड़ियां हमारी रेडी हैं और इसी के साथ निकलने की है तैयारी। भाई ने अपना रेनवियर निकाल लिया बाहर क्योंकि इसे पता है पूरे रास्ते भीगते हुए जाएगा। मेरे भाई बारिश में रचित ने, ये रचित, स्वागत है रचित, स्वागत। रचित भाई ने एक नया तरीका इजाद किया है, ये देख रहे हो भाई, ये पन्नी देखो, ये भाई मेरा खुद बताए, यहाँ भी है पन्नी, एक मिनट, ये एक्चुअली बाइक की सेफ्टी के लिए नहीं है, ये विनीत जी ने पन्नी मंगाई थी तो रखने की कोई जगह नहीं मिली। भाई भाई ने पन्नी मंगाई थी, देखो ये लेके आया ऐसे यहाँ बांध बांध के, भाई ये मीटर की सुरक्षा नहीं है। ये विनीत तेरी पन्नी आई है देख। देख एक बार, तेरे लिए पन्नी आई है। चलो आ गई है भाई, ये विनीत इज नाउ हैप्पी। सुबह की चाय पे चर्चा,
क्योंकि बारिश हो रही है करनाल में बहुत तेज। सारे के सारे बैठ गए इधर क्योंकि आगे जाने की हिम्मत नहीं है, बहुत तेज बारिश है। क्या बात, छपा छप छपा छप। आओ बारिश के मजे दिलाए तुम्हें भी। पूरी दिन भर राइड करने के बाद शाम को डिनर टाइम, डिनर टाइम में हम लोग रुके हैं केसी रेजिडेंसी रामपुर। ये पता क्या है? ये रोटी है, इसमें से आंख भी दिखाई देती है। और दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। देखने वाली चीज ये है कि ये है बाल्टी का साइज, ठीक है, और ये यहाँ से ये बाल्टी इतना चम्मच जाता है, और ये चम्मच यहाँ से यहाँ कहाँ जाता है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से इतना। और इसकी तली है ये चम्मच भी बेचारा पूरा नहीं डूब पाया इसमें। ये हाल है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रामपुर। बड़ी जद्दोजहद, आंधी तूफान बारिश धूल मिट्टी, और स्पीति में जो भी चीज़ें आप एक्सपेक्टेड यू नो आपके माइंड में चलती रहती हैं वो सब चीज़ें हमने बर्दाश्त की, झेली। और सारा काम देखने के बाद हम फाइनली पहुंच गए रामपुर, हमारी फर्स्ट डे की जो डेस्टिनेशन डिसाइडेड थी। वहां आते ही हमने होटल में किया है कब्जा, सौरभ तो कर रहा है रेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये भाई सब मेरे से ज्यादा थका हुआ है। और ये भाई देखो, जब थकान ज्यादा हो और इतना सिर बज रहा हो ना, एक तो यार एग्जॉर हेलमेट्स भाई कुछ करो, यहां से ऐसे ऐसे मुंह बीच देते हैं भाई, इतनी कुशनिंग क्यों, थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए एग्जॉर का हेलमेट यार। आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड विद द कंफर्ट लेवल ऑफ हेलमेट। सो गाइज, यहाँ पे पहुंच गए हम लोग, और आते ही हमने सामान का देखो क्या हाल किया है। आते ही सामान फेंक दिया सब नीचे, ठीक है, ये देखो, ये सारा फेंक दिया, ऐसे फैला दिया, ये देखो, क्योंकि भाई थकान इतनी हो गई है, और इतनी थकान के बाद हमसे ये उम्मीद कतई ना करें कि हम बड़ी सहूलियत से चीजों को रखेंगे, ठीक है। सो सौरभ क्या रहा, फर्स्ट डे की राइड थी भाई स्पीति की, सुबह पता चलेगा। क्यों सुबह क्यों पता चलेगा, अरे मजा बहुत आया, रेनिंग 400 किलोमीटर पहाड़ों में गाड़ी बाइक चलाई है, कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस? 500 चला दी फरीदाबाद से। अच्छा, ये फरीदाबाद से आया भाई, इसने 500 किलोमीटर चला दी, ठीक है, रेनिंग कंटिन्यूसली, पूरा मजा आ गया, एंजॉय का। यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट टेम्परेचर है देखो हमारा पानीपत शहर में, अभी जो गर्मी वाला सीन था अचानक से यहाँ आने के बाद अब सर्दी वाला सीन है, बोले तो यहाँ पे 16 या 17 डिग्री टेम्परेचर है, रात में माइट भी 12-13 डिग्री टेम्परेचर होगा। सो यहाँ से कल हम निकल रहे हैं काजा के लिए। गाइज, पहले दिन की जो हमारी थी तैयारी वो मुकम्मल होती नजर आई, बहुत ही बढ़िया सफर रहा, थोड़ा टायर्ड रहा, बट चलता है ना यार, स्पीति इजी थोड़ी है। सो कल के ब्लॉग में मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तब तक।